अध्ययन करने जा रहे हैं गुट निरपेक्षता की प्रासंगिकता। इससे पहले के लेक्चर में मैंने आपको गुट निरपेक्षता से अभिप्राय, उसकी प्रकृति के बारे में डिस्कस किया था। गुट निरपेक्षता क्या है, एक बार पुनः बताना चाहूँगी कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विश्व दो गुटों में विभाजित हो गया था, साम्यवादी गुट और पूंजीवादी गुट। साम्यवादी गुट का प्रतिनिधित्व सोवियत संघ के द्वारा किया जा रहा था, तो पूंजीवादी गुट का प्रतिनिधित्व संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर से किया जा रहा था। अब द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होते ही एशिया और अफ्रीका के राष्ट्र एक एक कर स्वतंत्र होने लगे, और इन राष्ट्रों के आगे एक बाध्यता थी कि वो या तो सोवियत गुट के साथ शामिल हो जाएं और या फिर वो अमरीकी गुट के साथ शामिल हों। लेकिन भारतीय भूतपूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और कुछ अन्य देशों के प्रतिनिधियों के विशेष प्रयासों से एक नए आंदोलन की शुरुआत हुई, और उस आंदोलन का नाम था गुट निरपेक्ष आंदोलन। अर्थात जो देश स्वतंत्र हो रहे थे उनका मानना था कि वो अब किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे, अर्थात गुटों के प्रति उनकी नीति निरपेक्ष रहेगी। अब प्रश्न आता है कि वर्तमान समय में क्या गुट निरपेक्षता की प्रासंगिकता बनी हुई है, इसको हम विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बहुत परिवर्तन आए, और उन परिवर्तनों में गुट निरपेक्ष आंदोलन ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देखिए, एक जो महत्वपूर्ण परिवर्तन था वो यह कि पूरा विश्व दो गुटों में विभाजित हो गया था, संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य जहाँ विश्व में शांति और व्यवस्था को बनाए रखना था, वहीं गुटों की राजनीति ने विश्व शांति को खत्म कर दिया था, तीसरे विश्व युद्ध की संभावना बनी हुई थी। तो ऐसी स्थिति में एशिया और अफ्रीका के नवोदित स्वतंत्र राष्ट्रों ने एक जिस नए आंदोलन की शुरुआत की, उसने भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के स्वरूप में परिवर्तन लाने में अपनी विशेष भूमिका निभाई। क्योंकि जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है, इस आंदोलन का जो उद्देश्य था वो था साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, नव उपनिवेशवाद, रंग भेद, विदेशी हस्तक्षेप के विरुद्ध संघर्ष। गुट निरपेक्ष आंदोलन ने जहां अंतर्राष्ट्रीय बुराइयों के उन्मूलन की प्रक्रिया को तीव्र बनाने में प्रभावकारी भूमिका निभाई, वहां इसने विकासशील राष्ट्रों को विकसित एवं सशक्त शक्ति गुटों के वजूद के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कर्ता की भूमिका निभाने योग्य बनाया। क्योंकि जब पूरा विश्व दो गुटों में विभाजित हो रहा था और इन गुटों की जो बागडोर थी वो सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के हाथों में थी, और ये दोनों महाशक्तियां चाहती थी कि जो विश्व है वो उनके इशारे पर काम करे, लेकिन गुट निरपेक्ष आंदोलन ने जो ये तीसरी शक्तियां थी, अर्थात जो एशिया और अफ्रीका के स्वतंत्र राष्ट्र थे जिन्होंने एक लंबे संघर्ष के पश्चात स्वतंत्रता को प्राप्त किया था, जो अभी विकासशील और अल्प विकसित देशों की श्रेणी में आए थे, इन देशों में को भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कर्ता की भूमिका निभाने के सक्षम बना दिया था। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में गुट निरपेक्षता की उपलब्धियों को हम विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। पहला महत्वपूर्ण बिंदु आता है बढ़ता हुआ आकार। देखिए, 1961 में जब बेलग्रेड में गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन हुआ था, तो उस समय इसकी सदस्य संख्या केवल 25 थी। तो यह गुट निरपेक्ष आंदोलन की महत्ता और प्रासंगिकता ही है कि आज इसकी संख्या 120 हो गई है। दूसरा है स्वतंत्रता एवं स्वाधीनता का प्रतीक, क्योंकि जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है वो स्वतंत्रता एवं स्वाधीनता का प्रतीक बन चुका था। गुट निरपेक्ष आंदोलन साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष करने वाले
मुक्ति आंदोलनों के लिए बलवर्धक रहा था, उनके लिए प्रेरक के रूप में उसने कार्य किया था। नव स्वतंत्र देशों के लिए यह वरदान साबित हो रहा था, क्योंकि जो नव स्वतंत्र देश थे उनके लिए ये व्यवस्था नहीं थी, वो बाध्य नहीं थे कि वो साम्यवादी गुट के साथ शामिल हो या फिर वो अमरीकी गुट के साथ शामिल हो। वो अपनी विदेश नीति का स्वतंत्र रूप से पालन करने के समर्थ हो चुके थे, क्योंकि वो गुट निरपेक्ष आंदोलन के साथ जुड़ चुके थे। इसके अतिरिक्त अपनी अभिव्यक्ति की को प्रकट करना, अपनी विदेश नीति को लागू करना, शांति के उद्देश्यों पर चलना, यह सब तभी संभव था यदि वो गुट निरपेक्ष आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे। तीसरा आता है बिंदु, शीत युद्ध को शस्त्र युद्ध में परिणत होने से रोकना, क्योंकि शीत युद्ध ने संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को इस हद तक प्रभावित कर दिया था कि यह भय बना हुआ था कि कभी भी यह शीत युद्ध तीसरे विश्व युद्ध में बदल जाएगा। लेकिन इसका श्रेय भी गुट निरपेक्ष आंदोलन को जाता है, क्योंकि गुट निरपेक्ष आंदोलन ने दो तरह से शीत युद्ध को रोकने का प्रयास किया। एक तो यह, क्यों जो नए देश स्वतंत्र हो रहे थे वो न तो सोवियत गुट के साथ जुड़ रहे थे, ना वो अमरीकी गुट के साथ जुड़ रहे थे, बल्कि उन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन की राह को पकड़ा। और दूसरी तरफ जो गुट निरपेक्ष आंदोलन के साथ जो देश जुड़ चुके थे, उन्होंने समय समय पर इन महाशक्तियों को चेताया कि कभी भी तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है, उनकी गलतफहमियों को दूर करने में सहायता की। उन्हें यह भी अनुभव हुआ कि ये जो विश्व न्यूक्लियर विध्वंस के कगार पर है, गुट निरपेक्ष राष्ट्रों ने कम से कम शीत युद्ध को उस स्थिति में पहुंचने से रोक दिया जिसमें सर्वोच्च शक्तियों को जानबूझकर उस राह पर चलने से या खामख्याली की वजह से वह शस्त्र युद्ध में परिणित हो सकता था। नेक्स्ट है शीत युद्ध को देतांत की स्थिति में लाना। कुछ समय ऐसा था जब शीत युद्ध अपने चरम पर था, लेकिन यह गुट निरपेक्ष आंदोलन की महत्ता ही है या उनके द्वारा किए गए कार्य हैं कि धीरे धीरे शीत युद्ध देतांत की स्थिति में आने लगा। नेक्स्ट बिंदु आता है निशस्त्रीकरण और अस्त्र नियंत्रण की दिशा में प्रगति, क्योंकि ये दोनों महाशक्तियां अपना संपूर्ण जो खजाना है, पैसा है, वो टोटली अस्त्र शस्त्रों के निर्माण में खर्च करने लगी थी। लेकिन गुट निरपेक्ष आंदोलन के कारण केवल गुटों की राजनीति को कुछ हद तक विराम मिला, बल्कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के साथ जो देश जुड़े हुए थे, इन देशों ने निशस्त्रीकरण की आवश्यकता पर बल दिया। निशस्त्रीकरण और अस्त्र नियंत्रण के लिए बातचीत करने में गुट निरपेक्ष देशों ने जो भूमिका निभाई, इसमें उन्हें सफलता तो नहीं मिली, लेकिन उन लोगों को एक सोचने का मौका अवश्य मिला कि वो विध्वंसता की दौड़ में किस तरह आगे निकल रहे हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो निशस्त्रीकरण की दिशा में भी गुट निरपेक्षता का योगदान रहा है। नेक्स्ट है विश्व समाज के लिए उन्मुक्त वातावरण का निर्माण करना, क्योंकि ये जो राष्ट्र स्वतंत्र हो रहे थे ये कमजोर थे आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, लेकिन गुट निरपेक्ष आंदोलन के साथ जुड़कर इन्हें भी अवसर मिला कि ये विश्व समाज के लिए एक उन्मुक्त वातावरण में जी सके, यानी कि इनके लिए इस बात की बाध्यता नहीं थी कि वो महाशक्तियों के प्रभाव में आकर कार्य करें। तो इन सब कारणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की अपनी उपयोगिता थी, अपनी राष्ट्रीय प्रकृति के अनुरूप विकास के प्रतिमान के अंतर्गत इन्होंने कुछ ऐसे कार्य किए जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की उपलब्धियों को हम भुला नहीं सकते।
संयुक्त राष्ट्र संघ के स्वरूप को रूपांतरित करना, गुट निरपेक्षता की नीति और गुट निरपेक्ष राष्ट्रों ने संयुक्त राष्ट्र संघ को कुछ दृष्टियों से हमेशा हमेशा के लिए रूपांतरित करने में भी सहायता की। एक तो अपनी संख्या के कारण और दूसरे शीत युद्ध में अपनी तटस्थ भूमिका के कारण गुट निरपेक्ष राष्ट्रों ने संयुक्त राष्ट्र संगठन को छोटे राज्यों के बीच शांति कायम रखने वाले संगठन से ऐसे संगठन में रूपांतरित करने में सहायता दी जिसमें छोटे राष्ट्र बड़े राष्ट्रों पर कुछ नियंत्रण रख सके, क्योंकि अभी जो संयुक्त राष्ट्र संघ था वो भी महाशक्तियों के हाथ की कठपुतली बन चुका था। लेकिन गुट निरपेक्ष आंदोलन में ये जो छोटे छोटे राष्ट्र जुड़ रहे थे उन्होंने अपनी महत्ता को सिद्ध किया और संयुक्त राष्ट्र संघ जो अभी केवल मात्र कठपुतली के रूप में कार्य कर रहा था उसमें भी जीवंतता प्रदान की। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि गुट निरपेक्ष आंदोलन ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। अब प्रश्न आता है कि हम गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता को स्वीकार करें अथवा नहीं वर्तमान संदर्भ में, क्योंकि वर्तमान समय में क्या है कि जो गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत हुई थी वो इस कारण से हुई थी कि जो विश्व है वो दो गुटों में बंट चुका था, ठीक है, पूंजीवादी गुट और साम्यवादी गुट। लेकिन 1990 के पश्चात न केवल गुटों की राजनीति का अंत हुआ बल्कि सोवियत संघ जैसी महाशक्ति का भी अंत हो गया। अब बात फिर वहीं आती है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत हुई थी गुटों की राजनीति के कारण और जब सोवियत संघ का अंत हो गया, गुटों की राजनीति का अंत हो गया, तो एक प्रश्न चिन्ह लगना स्वाभाविक है कि क्या वर्तमान समय में गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता है। अब जब हम बात करते हैं कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत क्यों हुई, तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का गठन अफ्रीका, एशिया, लेटिन अमेरिका एवं विश्व के अन्य उन देशों को मिलाकर किया गया जो तत्कालीन दौर में उपनिवेशी समस्याओं से गुजर रहे थे, जो पहले परतंत्र थे, अधीन थे। तो उन देशों की स्वतंत्रता, उनकी विदेश नीति की रक्षा के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत की गई थी जिसमें प्रधानमंत्री नेहरू की प्रमुख भूमिका थी। लेकिन वर्तमान समय में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि क्या गुट निरपेक्ष आंदोलन प्रासंगिक है। अभी हाल ही में वेनेजुएला में जो सम्मेलन हुआ था, गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन, उसमें हमारे प्रधानमंत्री ने भाग नहीं लिया था। उसके पीछे यही वजह मानी जाती है कि अब गुट निरपेक्ष आंदोलन उतना प्रासंगिक नहीं रहा। भारत की ओर से उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने इसमें भाग लिया था। एक महाशक्ति के रूप में पूर्व सोवियत संघ का अंत हो चुका है, पूर्व सोवियत संघ विघटित होकर रूसी सीमाओं तक सिमट चुका है और जिस रूस के हाथ में अब बागडोर आई है वो रूस आर्थिक रूप से इतना कमजोर हो चुका है कि वो अपने आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए अमेरिका, पश्चिमी यूरोप और जापान की आर्थिक सहायता पर निर्भर है। यानी सोवियत संघ का अंत हो गया है, सोवियत संघ की जगह उसका प्रतिनिधित्व रूस के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन जो रूस है वो आर्थिक रूप से इतना कमजोर हो चुका है कि वो चाहकर भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सोवियत संघ की तरह प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। जो नाटो सोवियत संघ के विरुद्ध जिस नाटो का निर्माण किया गया था, आज रूस उसी नाटो का मेंबर बना हुआ है। तो वही बात आ जाती है कि अब गुट निरपेक्षता की वो प्रासंगिकता नहीं रही जो प्रारंभ में थी। दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है कि गुट ही नहीं रही। अब गुट बद्धता है वो एक तरह की बासी खबर हो चुकी है, ठीक है। तीसरा जो हम कारण कह सकते हैं कि जो अमेरिका है, अमेरिका एक महाशक्ति के रूप में उभर चुका है। अमेरिका ने विश्व में एक महाशक्ति के रूप में अपना साम्राज्य बिछा दिया है, ठीक है।
तीसरा क्या है कि जो विचारधारा की दीवारें हैं वो ढह गई हैं। विचारधारा कौन सी थी? साम्यवादी विचारधारा और लोकतांत्रिक विचारधारा। अब साम्यवादी विचारधारा जिसका प्रतिनिधित्व सोवियत संघ के द्वारा किया जा रहा था वो विचारधारा खत्म हो चुकी है। जापान का आर्थिक महाशक्ति के रूप में उदय हो चुका है, यानी कि जो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जिस एशिया की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में खास महत्वपूर्ण भूमिका नहीं थी, आज वही एशिया एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। आज जापान और चीन जैसे देशों ने अपना एक स्थान बना चुके हैं। इसके अतिरिक्त जो यूएनओ है, संयुक्त राष्ट्र संघ है, जो पहले महाशक्तियों के हाथ की कठपुतली बन चुका था, आज वो अंतर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसके अतिरिक्त वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति इतनी अधिक पारस्परिक विचार विमर्श और लेन देन पर आधारित हो गई है जिसके आधार पर कोई भी जो समस्याएं आती हैं उन समस्याओं का ये बातचीत के माध्यम से समाधान करने का प्रयास करते हैं। कोई तीसरी दुनिया के गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों के आंदोलन को अनैतिक या हानिकारक नहीं कहता, क्योंकि हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की कोई भी भूमिका नहीं रही है। अब आप ये देखिए कि आज जो विश्व है वो आतंकवाद जैसी समस्याओं से परेशान है, ठीक है, लेकिन कोई भी समस्या जिसका सामना आज विश्व के द्वारा किया जा रहा है उन समस्याओं के समाधान में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के द्वारा या गुटनिरपेक्ष देशों के द्वारा कोई ऐसी भूमिका का निर्वहन नहीं किया जा रहा जिस आधार पर हम कह सके कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है, ठीक है। लेकिन हम यह भी नहीं कह सकते कि यह आंदोलन अब नाम मात्र का रह गया है या ये खत्म नष्ट प्राय हो गया। आज भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन जीवित है। इसके पीछे कारण क्या है कि आज विश्व जिन समस्याओं का सामना कर रहा है उन समस्याओं से सबसे ज्यादा प्रभावित गुटनिरपेक्ष देश है, चाहे वो आतंकवाद की समस्या ही क्यों ना हो, चाहे हम नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग करते हैं। तो ये जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उन मुद्दों से गुटनिरपेक्ष देश सबसे ज्यादा प्रभावित है। तो इस कारण से हम कह सकते हैं कि चाहे गुटनिरपेक्ष आंदोलन की कितनी भी आलोचना क्यों ना की जाए, लेकिन गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता आज भी बनी हुई। धन्यवाद।